माय चैनल ज्योति स्ट्रगलर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली लंच का टाइम है, अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो आज दोपहर मैं बना रही हूँ मटन। तो देखिए, मेरे घर में एकदम अलग बनता है, तो मटन मैं यहाँ पर रखी हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाया था नाश्ता। तो नाश्ता हम लोग हल्का फुल्का खाए थे, पोहा। मेरा घर भी पूरा बिखरा हुआ है, एक्चुअली मेरा किचन भी पूरा बिखरा हुआ है। मैंने सब्जी लाया था, यहाँ बिखेर के रखी हूँ। ये मेरा नॉन वेज कड़ाई, ये बिल्कुल अलग बनता है। देखिए स्लैब वहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ का खाना अलग बनाते हैं और ये नॉन वेज खाना अलग बनाते हैं। तो मैं इस चूल्हे पर बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे नीचे रखना ठीक नहीं लगता है। तो मैं ये पेपर बिछा दे रही हूँ और मटन को मैं ऐसे रख रही हूँ। देखिए, ये हमारा 1 kg मटन है और आज तो कलेजी एकदम मस्त दिया है। मैं दिखाऊंगी कलेजी की, मतलब बिना मांगे एकदम लग रहा था कि आज तो उसका दिन ही है, वैसे ही देना ही है कलेजी ज़्यादा। तो आज पूरा मस्त कलेजी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसा कलेजी है। पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो यहाँ मैं चूल्हा जला ली हूँ और मेरे साथ आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखिए, मेरे चूल्हे में आज धुआं नहीं आ रहा, ताव भी नहीं आ रहा है। मैंने पतिदेव को बोला ठीक करने के लिए, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ। तो आज इसी में काम चलाना होगा। तो इसमें मैं चढ़ाने वाली है कढ़ाई। हमारा जो पानी है कढ़ाई को, पहले हम लोग गर्म होने देंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें तेल डाल देंगे तो हमारा जो तेल है पानी की वजह से थोड़ा उड़ेगा, इसलिए कढ़ाई को सूखने देते हैं, थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा कढ़ाई है ये गर्म हो गया है और मेरे साथ बोले नहीं आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा सरसों तेल भी खत्म हो गया था, जस्ट मैं इसमें डाली हूँ पैकेट खोल के। इस पैकेट में मैं थोड़ा सा बचा के ही रखी हूँ, इससे आसानी होगा मुझे ढालने में। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों ऑयल। तो आज मटन की खासियत हमारी यही है कि मैं इसे कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। इसमें सरसों ऑयल डाल दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने रखा प्याज काट के नहीं रखी हूँ, अभी सिर्फ छील के रखी हूँ। एक्चुअली मेरा उसमें ताव बहुत कम है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, तब तक मैं ये प्याज को काट लूँगी। और प्याज मैंने देखे कितने रखे हैं यहाँ पर, मैंने प्याज रखे हैं 6, 7, 8, 9 प्याज लगभग। प्याज एक्चुअली नया आ रहा है ना, तो नया प्याज थोड़ा सड़ा वड़ा भी निकलता है। 9 प्याज में देखिए इतने सारे छिलके निकले हैं, प्याज बहुत ज़्यादा ये भी ख़राब आ रहे हैं। तो चलिए मैं प्याज को काट लेती हूँ झटझट। तो फ्रेंड्स, मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं रखी हूँ, इसलिए मैं सारा काम अपने स्लैब पे ही काटती हूँ। जस्ट ये चॉपिंग बोर्ड की तरह ही हो जाए मेरा यूज होता है। अगर आपके घर में चॉपिंग बोर्ड है तो मुझे पता है कि आप अपनी चॉपिंग बोर्ड का ही इस्तेमाल करती होंगी। अगर नहीं है तो आप अपने घर में अपनी सब्जियाँ कैसे काटती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो ऐसे ही काटती हूँ। आप प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने घर में आप कैसे बनाती है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी में कुछ कमी हो तो वो भी, मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा ऐड कर सकूँ और अपनी रेसिपी को बेहतर बना सकूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा कटा चुका है, तो मैं इसे एक प्लेट में रख ले रही हूँ। मेरा स्लैब भी साफ़ हो गया फ्रेंड्स प्याज कटाने के साथ साथ। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, पता नहीं मुझे आसान होता है। चॉपिंग बोर्ड के बिना तो सही में मेरा गुजारा नहीं होता। मेरा चॉपिंग बोर्ड एक्चुअली टूट चुका है, तो जब तक चॉपिंग बोर्ड नहीं लाई हूँ तब तक मैं ऐसे ही काम करती हूँ, झट से इसे साफ़ भी कर लेती हूँ। तो तब तक मेरा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर फोरन में रखा है 4-5 हरी मिर्च, लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता, और यहाँ पर खड़ा वाला जीरा, गोटा जीरा मतलब। तो देखिए मेरा तेल जो गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ फोरन। देखिए मेरा जो जीरा है वो चटक गया है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के साथ ही फ्रेंड्स, मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि प्याज डालने के बाद जब हम लोग नमक डालते हैं तो ये हमारा जो प्याज है वो जल्दी गलेगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी, अब इसे हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स। ऐसे मैं ढक रही नहीं हूँ, अगर आपका फ्लेम सही है और उसमें ताव अच्छी तरह से लग रहा है तो आप इसे ढक के कर लीजिए, प्याज जल्दी गलेगा। मेरा जो फ्लेम ऑलरेडी कम है, मैं दिखाई ना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है आज कि फ्लेम बहुत धीरे धीरे आ रही है, इसलिए मैं इसे ढक रही नहीं हूँ कि प्याज हमारा कम फ्लेम है तो गल ही जाएगा। इसे फ्राई करना फ्रेंड्स। तो चलिए, जब तक हमारा प्याज गल रहा है, ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं कर लेती हूँ तैयारी मसालों की। मसाले मैंने लिए यहाँ पे ढेर सारा लहसुन हम लोग ज़्यादा ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जीरा और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। फ़ोरन में भी मैंने 4-5 मिर्च डाल रखा था, और यहाँ पर गोल मिर्च,
और यहाँ पे धनिया, अब इन सबको हम लोग मिला के पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो पिसा चुका है, तो अब मैं इसे उछल दे रही हूँ एक प्लेट में। बहुत मसाला हमारा जार में लगा हुआ है, तो थोड़ा पानी डालकर फिर से मैं इसे निकाल लूँगी, इससे हमारा मसाला जो है वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ हल्दी नहीं डाला था, इसलिए मैं हल्दी डाल दे रही हूँ। तो हमारा जो प्याज है वो रेडी हो गया है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ हमारा तैयार किया हुआ मसाला। अब मसाले को 5 मिनट सिर्फ हम लोग फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, 5 मिनट से ज़्यादा इसे हम लोग नहीं भूनना है। और हमारा जो कलेजी है, देखिए कितना मस्त कलेजी दिया है, बहुत ही मस्त कलेजी दिया है। देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस है कलेजी के, एकदम बड़े बड़े पीसेस दिए हैं कलेजी में, कोई कमी नहीं किया आज दुकान वाले ने। और आप लोगों में किन किन को कलेजी नहीं पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा, किन किन को बहुत ज़्यादा पसंद है ये भी बताइएगा। मतलब 1 kg मटन में हमारा इतने सारे कलेजी दिए हैं, एकदम 4 पीस, वो भी बड़े बड़े कटे हुए, जो बच्चों को खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये फंसता नहीं है दांत में। छोटे बच्चे जनरली दांत में पीसेस फंस जाते हैं तो वो नहीं खाना चाहते हैं, तो ये इजीली बच्चे खा जाते हैं। तो अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें मटन हमारा। देखिए अभी तक जो ये इसमें मसाला मैंने डाला था अभी तक फ्राई नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसमें मटन डाल दूँगी, क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो हमारा मसाला जो है ये मटन के पकने तक ही हमारा मसाला फ्राई होते रहेगा। अब मैं इसमें कलेजी भी डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से चला दूंगी मैं। देखिए कलेजी के जो पीसेस है इतने बड़े बड़े हैं, मुझे तो मज़ा ही आ जा रहा है एकदम चलाने में, लेकिन बस भाई ये बन के थोड़ा छोटा हो जाता है। और हमारी ये जो तेल के पीसेस है, इसे कौन सा पीस करते ये मुझे नहीं पता, ये भी बहुत सॉफ्ट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये भी। और किन किन के घर में नॉन वेज नहीं बनता है वो भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। मैं इसे अच्छे से ढक दूंगी, हमारा फ्लेम कम है इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा ये सटे नहीं, मटन जले नहीं, उससे पहले हम लोगों को इसे ढक्कन हटा हटा के इसे चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ ही देर में मेरा मसाला आधा कुक हो चुका है, ये पक चुका है मसाला भी, अभी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ है, फ्राई होते होते तक इसका पूरा पानी सूख जाएगा। और मटन भी मेरा 30% तक पक चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच मीट मसाला लिया है, तो मैं इसमें मीट मसाला का यूज कर रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरा मीट मसाला इसमें चिपक गया था। अब इसे फिर से मैं चला के और फिर से उसी तरह हम लोग ढक के पकाएंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अगर हम लोग मटन को इस तरह बनाएंगे तो। अगर एक बार कढ़ाई में इस तरह का मटन अगर आप बनाएंगे ना, तो आप तो हर तरीका भूल जाएंगे मटन बनाने का, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए मैं इसे फिर से कवर करके इसे ढक दे रही हूँ, और फिर से हम लोग हर 10 मिनट पर 5 मिनट पर जैसे आपका फ्लेम है, फ्लेम को बहुत हाई मत रखिएगा फ्रेंड, ये तो हमारा जो मसाला है वो जलने लगेगा। तो मैं इसे ढक ढक के फिर से इसे पकाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए जो मेरा मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और हमारा मटन भी 50% तक कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, पानी पहले से मैं लेकर बैठी हूँ, तो पानी मैंने पहले से ही इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमारा मटन जो है अभी हम लोग को और पकाना है, इसलिए हमारा जो पानी है थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि वो पानी सूख जाएगा। कलेजी देखिए, मुझे तो कलेजी ही दिख रहा है कि कितने बड़े बड़े कलेजी है। तो फिर से मैं इसे अच्छी तरह से कवर करके अब मैं इसे छोड़ दूंगी, ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो ग्रेवी है ये भी रेडी हो चुका है। आप किस तरह का ग्रेवी पसंद करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो गाढ़ी ग्रेवी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा मटन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो मैं कर दे रही हूँ गैस को ऑफ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इतने मोटे मोटे हड्डी थे, ये भी पक चुके अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना को सर्व करते हैं। क्या बोले पापा? जवाब दीजिए। क्या वीडियो सुनेंगे जब